अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान शबाने के ब्लॉग में। आज इसलिए आहिस्ते बोला सलाम क्योंकि आयजल है वो जो सो रही है तो हिसाब से थोड़ा आहिस्ते बोला मैंने और आहिस्ते बात भी कर रहे हैं ना। तो आज फातिमा इधर रुकी है कल रात से क्योंकि इसकी नानी जो है एडमिट हुई है ना। फातिमा बोल चिंपांजी है, चिंपांजी तभी यार फातिमा को स्कूल छोड़ने क्योंकि आज वो ड्रेस में क्यों है मालूम है? ड्रेस दिखा रहा हूँ, बता ड्रेस में क्यों है? क्यों ड्रेस में है मालूम है? क्योंकि आज इसका है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, तो आप लोग भी सब बोलो इसको हैप्पी बर्थडे। ऐसे सीरियस बैठी जैसे नहीं भाई, टीचर बोल रही है या सुन रही है, अरे कुछ तो बहुत टकली शर्म आती है इसको। तो आज इसका बर्थडे है तो आज ये स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, ड्रेस पहन की जाएगी और चॉकलेट दी है अब्बा ने, उसके अब्बा ने चॉकलेट का पैकेट दी जाएगी। और शाम को देखेंगे कुछ हम लोग ऐसा कुछ छोटा मोटा 2 रुपए वाला केक लेके आएंगे ना, एक रुपया लाते हैं ना। हाँ, छोटा। इसके बाप को बोला 2000 भेज बर्थडे बनाना है, इसने ना बोली, बोले मेरे को कोई बर्थडे नहीं बनाना, मेरी नानी एडमिट है तो मेरे को दुख, बोले मेरे को दुख होता है, मेरी नानी एडमिट है और मैं बर्थडे बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी बोलती है ना मम्मा। बहुत चालाक है बाप के पास, क्यों नहीं मांगी तेरे बाप से 2000 रुपया, तुम खर्चा करो। जान दे बर्थडे निकल जाएगी स्कूल का टाइम भी हो जाएगा। तो चलो जैसा ऐसा होता जाएगा आप लोगों ऐसा सब बताते जाएंगे ना। कुछ बोलना तेरे नहीं, अभी तुम जा रहे हो जिम के लिए तो जिम जाओ, फिर जिम से आके देखते हैं। मैं तो कुछ पकाने का आएगा, मैं तासे की वीडियो तो बता लूँ। ठीक है चल। आज बना रहे हैं हम लोग बैगन, मतलब बैगन झींगे का सालन। आज बहुत मन करा था झींगे मच्छी खाने का, तो सना को बोली, सना भी चली वहाँ से, हमारे इधर मच्छी मारे में 1 बजे के बाद मच्छी बंद हो जाती है और मैं उठती हूँ, छुट्टी पे आ जाती है जल्दी उठती ना मच्छी, तो अभी सोने का टाइम हो गया लोग का, ये लोग का जागने का टाइम हो गया। तो अभी देखते हैं क्या बना के मैं आपको इसकी रेसिपी डालूंगी और शाम को जो बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा वो करेंगे कमेंट्स करके इसको। और बिल्लो का क्या है वो शाम को जाके हॉस्पिटल में देख के फिर बताऊंगी क्या डॉक्टर ने बोला क्या नहीं बोला। और इसको कमेंट्स करके बोलना हैप्पी बर्थडे बोलो हाँ फातिमा को और दुआ करो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करे, नंबर 1 आए है ना, थोड़े बाल आ जाए। हाँ बेचारी के बाल आ गए। चलो तो अभी मैं फातिमा को छोड़ने आया, फातिमा जा रही है स्कूल और आज उसका बर्थडे भी है। फातिमा टाटा करो, ये उसकी स्कूल है। मैं फातिमा को स्कूल छोड़ के जिम जाके अब भी आया तो सब ने सब रेडी करके रख चुकी है और वो भी कहा चलो बनाती हूँ, मतलब बना दे भाई खिला दे हम लोग को, तो इसी मोटा करते जा रही है, मतलब खिला और बच्चों तुम लोग को भी मोटा करेगी देखना, एक बात लिख के रख मेरी है ना सर। उससे पहले तुम क्या बोल रहे थे, कैसे कैसे कपड़े पहने? हाँ, तो कपड़े दिए टेलर को, दियो मैंने, अब टेलर के पास से कपड़े आएंगे संडे या मंडे को आएंगे, तब से मैं नए नए ड्रेस पहनूंगी ना, ये सब फेंक दूंगी, मतलब फेंक दूंगी, किसी को जरूरतमंद को किसी को जिसको जरूरत होगी, दुबली होगी जिसको जरूरत होगी आगे लेके जाओ, जो मेरे से दुबली होगी उसको मैं दे दूंगी। अच्छा तेरी मोटी नहीं बोली। तो अभी देखो आज हम बना रहे हैं झींगे बैगन का सालन और खिचड़ी, तो उसके लिए मैंने देखो ये बैगन काट दी हूँ, बैगन मैंने अभी काटी, जल्दी काट देंगे तो काले हो जाएंगे, और उसमें वटाने हैं और आलू है, ये हमारा हो गया। और ये मेरे झींगे हैं साफ करके मैंने धो के रख दिए, यस बड़े बड़े झींगे हैं देखो, वाओ। हाँ और इसमें मसाले जाएंगे, तो इसमें मैंने 3 कली प्याज ली हूँ मैंने, उसके अंदर थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दी हूँ और थोड़ा जीरा है, ये तीनों चीज़ पहले स्टार्टिंग तेल में जाएगी, इसके बाद मसाले जाएंगे, तो उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची है, 2 चम्मच धनिया जीरा है, 1/2 चम्मच हल्दी है और 1 टमाटर है, थोड़ी कोथमीर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है और ये अपना एवरेस्ट का है ना वो पाव भाजी मसाला था ना थोड़ा सा वो डाल दी। अब ये सबको मैं डालूंगी फिर आपको बताती हूँ कैसा इसको बनाना है। ठीक, तेल गरम हो चुका है, सब अंदर डालने को रेडी हो चुकी है, बहुत बेचैन है, भूख लगता ज़्यादा लगी है उसको। चलो अभी मैं डाल रही, जीरा डाल दी मैंने, अभी इसके अंदर कड़ी पत्ता और प्याज डालूंगी, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, इसके अंदर सब मसाले और बैगन वैगन डालेंगे और झींगे सबसे लास्ट में, जब बैगन आलू गल जाएंगे ना उसके बाद में डालेंगे। सब मसाला डाल चुने, कम डाली अभी और मसाला डालने का बाकी है, खाली प्याज डाली है, खाली प्याज डाली अभी और बाकी है सामान डालने का, तो आप लोग को दिखाता हूँ अभी क्या बाकी है। अभी प्याज देखो थोड़ा हल्का सा लाल करने का, अभी इसके अंदर जाएगा ये मटाने बैंगन और आलू। इतना गर्म क्यों हो रहा है, भड़क जाएगा।
तो लाल प्याज है ना, इसको तो ज़्यादा तपा दी इसको, नहीं लाल ही करने का, बस और लाल भी करते हैं इसको अपन ना, पीस भी सकते हैं। और इसके अंदर अभी जाएगा अपना अदरक लहसुन, सब मसाले डाली, ये मसाले डालते हैं उसके बाद उसको थोड़ा उसको छोटे करके जाएंगे मसाले पर। अगर आलू वगैरह थोड़े दस जाएंगे तो फिर लास्ट में अपन झींगे डालेंगे। अभी क्या करना है, दाल भी बस। अब इसमें जाएगा टमाटर, नमक और ये सब मसाले, हल्दी, धनिया जीरा, मैं धनिया जीरा ना मिक्स लेती हूँ तो उससे ना खाने में टेस्ट अच्छा आता है। और लाल मिर्ची 2 चम्मच और ये थोड़ा आधा चम्मच चाट मसाला, ये एवरेज का मसाला है ना जो मैजिक मसाला हुआ है, और ये गर्म मसाला थोड़ा आधा चम्मच और थोड़ा सा इसमें कोथमीर, अच्छे से मिला देंगे। हो गया, पानी बाकी है, एक जो लोग को जलाती भी है फिर ऊपर ठंडा भी करती है। अरे वो नहीं, उनका दिल जलाती है और ठंडा तो आनी चाहिए, डालती है ठंडा पानी, सादा पानी डालेगा, थोड़ा सा डालेंगे तो उसमें आलू भी गल जाएंगे और वो भी भाजी तरकारी भी गल जाएगी। और इसके अंदर और इनका कलर लग रहा है मेरा, और मेरा दलिया सब रिश्तेदार आपस में मिलके खूब खुशियाँ बनाएंगे, इसके बाद हमारे पेट में जाएंगे, है ना सब। चलो ठीक, अभी ग्वार और झींगे भी बनाती हूँ, तो मैं तैयार हो चुका, झींगे कपड़े उतार चुका, जब सालन को टाइम था आलू गलने का बाकी था तो मैं उतनी देर में तैयार भी हो चुका। और पहली बात इतनी खुशी हुई सालन देख के, इतना मस्त लग रहा था, और फिर बाद में मैं दुखी हो गया, तो सब बोले सालन देख के खुश हो गए, दुखी क्यों हो गए, मतलब काम वाली का फ़ोन आ गया, काम वाली नहीं आएगी, अब पूरे बर्तन मेरे को धोने पड़ेंगे, तो वही से थोड़ा दुखी हो गया मैं। लेकिन सपने वाली फिक्र मत करो, मैं धो दूंगी, तुम फिक्र मत करो, नहीं बोली झाड़ू पोता मार देना, मैं बर्तन धो दूंगा, जैसा जी तेरा मन वैसा मारना था, ठीक है बर्तन धो देना। चल बोल, अभी आलू अपने माशाल्लाह गल गए हैं, बैंगन भी गल चुका है, अब इसके अंदर अपन जाएंगे झींगे, झींगे ये अंदर अपने बड़े बड़े झींगे, ये दूल्हे का सेहरा ही आ रहा है, ये झींगे अंदर गए, अब इसको मिल लिए, कितने खुश हो गए थे ना आपस में सब, है ना, दिखा देगा तुमको ये, देखो देखो अंकल झींगे थोड़े गल जाएंगे, पानी डाल के जितना रसा चाहिए उतना ले लेंगे। चलो चलो ठीक है, मेरा हो गया, अभी का रसा करके खाते हैं तो अच्छा लगता है। चल मेरा काम हो गया, तो फिर मैं जा रहा हूँ अपने नीचे बड़े छोटे बेटे को खिलाने, खाना बकरे को, फिर मैं आता हूँ खिलाना के, फिर आप लोग को दिखाता हूँ, क्या बोलती है, बड़े बड़े रहने तो पहले मेरे साइज के। चलो हालांकि मेरा मन नहीं दिखाने का क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी है, सालन का कलर देखो एक नंबर है, ये झींगे देखिए, झींगे उसमें बड़े दिख रहे थे, हाँ तो वो पकने के बाद मोटे आते हैं ना, वो पानी पिए तो मोटे हो गए थे, उन्हें पानी निकाल दी पूरे, नहीं ऐसे हो जाते वो झींगे। तो साथ में है पापड़, कांदा, ओट्स की, ये क्या नाम है इसकी, हाँ दलिये की, दलिये की खिचड़ी और ये सालन, ये सब जाएगा मेरे पेट में, मुंह से होते हैं, डायरेक्ट पेट में नहीं, मुंह से होते, पीछे बिस्तर भी रखा हुआ है पूरा रखने का अंदर, मेहमान आते हैं ना सोने के लिए, यस, और अभी खा के बर्तन धो लेना, खाया भी नहीं, पेट भरा थी पहले तुमने। तो मैं आया सुफियान की एक्सेस जो है बनाने के, उसका घाट लगाने का, लाइट लगाने की है, और जो फोन का बटन है वो ख़राब हो चुका है, तो सुफियान गया घूमने, बोला अब्बा जा करके रख दो, तो मेरा ठीक है, तो मेरे साथ एक बच्चा भी आया, क्या नाम, फैसला, अरे फैसला हमें वो भी आया, आप लोग को दिखाता हूँ मैं, बस क्या क्या लगाया भाई, ईमानदार से बता, गार्ड लगा है, कौन सा है, हेडलाइट लगा है, ये गार्ड लगा है, ये गार्ड का कुछ फायदा है, ये पीछे का, और ये आगे लाइट लगा रहे, हेडलाइट लगा रहे, फोन का बटन लगाया नहीं, अभी लगाएंगे, लगा रहे, और इसका मतलब और एक बटन लगा रहे जो लाइट के लिए बंद चालू कर सकते हैं, तो भाई ये अपने बहुत अच्छा काम करते हैं,
और जो मिरर है वो भी लगाना है, तो जैसा बन जाएगा घर जाऊंगा फिर। तो मैं घर पे आ गया, सोचा की गाड़ी मस्त बन गई है और इतना अच्छी लग रही है कि पूछो मत। जो नौशीन डानी शाह लोग को भी दिखाता हूँ मैं। नौशीन देखी तेरे गाड़ी पकड़ के गाड़ी चला देगा, ये देखा ये है ना, है ना वाली वाली। अभी हैवी भी हो गए चलाने में। हाँ पीछे का देखिए घाट, पीछे पैर पैर रख के देख अभी गाड़ी ऐसे चलाने का। अच्छा ये पतली है अपनी। हाँ ये 400-500 रुपए का है, वो 2500 रुपए का है घाट। अच्छा वो बटन भी लगा दिया लाइट का। अच्छी लग रही है ना। अब इंस्पेक्टर से क्यों कर रहा हूँ वो तो सुफिया मिले, उसमें बग में नहीं लूंगा ना, बोलता यही चलाऊंगा। नीता को नहीं जमता है ना। चलो तो ये लोगों को पसंद आ गए, ये शब्द देखेगी तो देखेंगे, नहीं तो फिर बात में। और ये बर्थडे की तैयारी चालू हो चुकी है। ये बर्थडे गर्ल है, आइजल क्या कर लिया मम्मा। और ये फुफुगा रहे है और अच्छा बगाठी मार रहे हैं। इफू उसके लिए कुछ बोल रहे नहीं, चुपचाप है। हमारे लबाचे देखो, ये सब लबाचे नौशीन के। हाँ ये नौशीन आती है हमारे घर में, लबाचे लेके आती है। हाँ शेरी है ना। तो चलो आगे केक काटते, इसके बाद आपसे मिलते हैं। फातिमा की बर्थडे की तैयारी हो चुकी है। वहाँ सना को फोन करके बोल दी है कि हम लोग बर्थडे नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बर्थडे बना रहे हैं। और नौशीन और दानिश ये दोनों बना रहे हैं। मैं तो हल्का फुल्का ले रहा हूँ खाली, और यहाँ आजल देखो ऐसी मजे ले रही है। अरे बाबा क्या हो गया चोरू बाबा, ए ले 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 ले। अब फातिमा देखो कितनी खुश हो गई। फातिमा तू क्या समझे हम लोग नहीं बनाएंगे, ये तो पूंजी है। हाँ मेरे को सता रहे ऐसा मत बता था ना। देखो टू जी है, टू जी लेट होता है। देख ना आइजल, देखो आइजल किसी मस्ती देखो। हाँ यहाँ नौशीन बिचारी फुगा रही है, खुद भी फूल गई है और फुग्गा भी फुला रही है ना। मतलब तू भी फूल गई है, फुग्गा भी फुला रही है। तो चलो केक आएगा फिर आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ फातिमा का केक कट चुका है, नौशीन और दानिश ने कुछ उसको गिफ्ट भी दिए है। और केक माशाल्लाह बहुत अच्छा था, एक नंबर था, जो बहुत पसंद आया, सब लोग को पसंद आया है ना। चलो पसंद आया। अच्छा फेवरेट है चॉकलेट फ्लेवर। दानिश ने क्या दिया गिफ्ट तुम लोग ने? डॉक्टर के लिए कैंची देते। ये पहला है इंसान जो डॉक्टर के लिए कैंची देगा। हाँ कॉम्पोस कॉम्पोस। हाँ आइजल देखो कैसे मस्ती कर रही है देखो। तो चलो केक बर्थडे डे तो अच्छे से हो गया, मस्त हो गया। क्या बोलती है? हाँ क्या अच्छा लगा गिफ्ट? और हम लोग और जो हम लोग की खुशी थी वो भी बहुत अच्छी लगी। हाँ अरे वाह। बिचारी थोड़ी स्लो बोलती है। अच्छा अच्छा उसकी जगह तू बैठा है ना बोलने वाला। तो चलो यहीं मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। नहीं दबे फिर भी टिंग टॉंग। फातिमा बोल टिंग टॉंग। अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा तो दो बार टिंग टॉंग करो, टिंग टॉंग।